नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण, और हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अधिगम किस लिए होता है? क्योंकि एक शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है कि अपने किस प्रकार से कार्य करने की जो अधिगम की मात्रा है वो किस प्रकार से बढ़ा सकता है शिक्षक। एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है। ये लेक्चर अगर देखा जाए तो सीटेट, एमपीटेट, केवीएस जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 है, बिल्कुल फोकस करेंगे और एक एक चीज़ को बिल्कुल कड़ी के माध्यम से हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। चलिए देखते हैं शिक्षण अधिगम। देखिए शिक्षण अधिगम, शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक प्रकार का काम या कार्य होता है। क्या होता है? शिक्षण जो होता है वो एक प्रकार का काम या कार्य होता है। काम और कार्य किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा ही तो किया जाएगा, शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा? काम और कार्य किया जाएगा। मनोविज्ञान ये कहता है, मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, वो कहता है कि ये दोनों एक समस्या होती हैं। कौन कौन सी समस्या होती है? काम और कार्य, ये दोनों क्या है? एक प्रकार की समस्या हैं। ऐसा तो है नहीं कि काम हर वक्त ही क्या हो, सफल होता रहे। कभी तो प्रॉब्लम आएगी, उसमें समस्या उत्पन्न होगी। तो उन्होंने बताया है, मनोविज्ञान ये कहता है काम और कार्य ये दो प्रकार की क्या हैं? समस्याएँ हैं। क्या हैं ये समस्याएँ? जब शिक्षक के सामने समस्या उत्पन्न होगी तो शिक्षक क्या करेगा? उसका समाधान भी तो ढूंढेगा। क्या निकालेगा? उसका समाधान भी निकालेगा। समस्या के बाद क्या निकालेगा? समाधान भी उसका निकालेगा, सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए समस्या का समाधान जो शिक्षक वो किस तरीके से निकालेगा? अगर समस्या का अगर मान के चलिएगा समाधान निकालना है तो एक शिक्षक क्या करेगा? एक शिक्षक विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा कि कहाँ पर किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। इन तीन चीज़ों को से मान के चलिए विचार करेगा, सोचना, समझना, ठीक है, किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से समस्या आ रही है, समस्या का समाधान करने के लिए जिन चीज़ों से द्वारा वो सीखता है, इनको ही क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। चिंतन के रूप में पहचाना जाता है इन तीनों चीज़ों के। किसके रूप में पहचाना जाता है? चिंतन के रूप में पहचाना जाता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं हम्फ्रे के अनुसार देखते हैं। हम्फ्रे ने कहा है चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका जन्म समस्या के समय होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चिंतन का जो जन्म होता है वो किससे होता है? समस्या से होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हम्फ्रे ने कहा है कि चिंतन एक ऐसी क्रिया है जिसका जन्म समस्या के समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्य पर नज़र, जब जो हमारा लक्ष्य का फोकस होता है तब उस पर क्या, लक्ष्य जब हमको नज़र नहीं आता है तभी तो क्या होती है, तभी तो समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तभी हम लोग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा काम, जब जो शिक्षक जो कार्य करता है, एक जो शिक्षक होता है वो व्यक्ति का निर्माण करता है। जो शिक्षक क्या होता है? शिक्षक एक व्यक्ति का निर्माण करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति से संबंध है शिक्षक का और दूसरे से किसका है? बालक का। जब शिक्षक किसी बालक को शिक्षण देता है तो वो एक तरह का कठिन कार्य होता है, क्योंकि अगर त्रुटिवश गलत भी बता देता है तो वो बालक क्या होता है, वो ग्रहण कर लेता है। और वो गलत चीज़ को जब बालक ग्रहण कर लेगा तो ये किस तरह का हो गया? एक कठिन कार्य हो गया, क्योंकि वो बालक आगे चलकर भी क्या होगा, उसी बात को फॉलो करेगा। ये शिक्षक के लिए कैसा होता है? ये कठिन कार्य होता है। जब कठिन कार्य होता है तो शिक्षक क्या करे? चिंतन। हमने चिंतन की बात की, चिंतन किस तरीके से उत्पन्न होता है यहाँ देख लेते हैं दोबारा। जब विचार, सोचना और समझने के माध्यम से समाधान निकालते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। और चिंतन यहाँ पर देखिए, चिंतन कितने प्रकार का होता है? चिंतन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चिंतन दो प्रकार का होता है। एक स्वैली चिंतन होता है, एक यथार्थ चिंतन होता है। एक कैसा होता है? एक स्वैली होता है, एक यथार्थ चिंतन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्वैली चिंतन। स्वैली चिंतन क्या होता है? काल्पनिक, अवास्तविक, असत्य। क्या होता है? काल्पनिक का मतलब होता है कोरी कल्पना, असत्य का मतलब होता है झूठा रूप से किए गए कार्य, झूठ के द्वारा किए गए कार्य। देखिए शैली क्या होता है? जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है उसे क्या कहते हैं? स्वैली चिंतन करते हैं। जैसे मान के चलिएगा, जैसे मान लीजिएगा कोई एक छात्र है, वह कहता है कि मैं बड़ा होकर कार खरीदूँगा,
जिसमें वो बैठकर वह पूरे परिवार के साथ पूरी दुनिया की सैर करेगा। ये कैसी है, एक तरह की क्या है, ये कोरी कल्पना है। कैसी है, कोरी कल्पना सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, स्वली चिंतन का। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, कोई अगर शिक्षक है, मान के चलिएगा स्वली चिंतन के द्वारा शिक्षक कार्य करता है तो परिणाम कैसा होगा, सकारात्मक नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वली के अंदर क्या होता है, काल्पनिक अवास्तविक असत आता है। अगर कोई झूठ के द्वारा कोई कार्य का शिक्षक करेगा तो कैसे हो जाएगा, तो वो शिक्षक के द्वारा जो कार्य होगा ना, वो शिक्षण कैसा हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए शिक्षक के लिए ये स्वली चिंतन बिल्कुल ही कैसा है, गलत है, ठीक है। शिक्षक क्या है, स्वली चिंतन के द्वारा सोच नहीं सकता है, चिंतन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 2, यथार्थ चिंतन। यथार्थ का मतलब समझते हैं ना, यथार्थ का मतलब होता है ऐसा चिंतन जिसका संबंध यथार्थ जीवन से होता हो और जिससे किसी समस्या समाधान में क्या है, मदद मिलती हो, उसको ही क्या कहते हैं, यथार्थ चिंतन होता है। यथार्थ चिंतन कितने प्रकार का होता है, यथार्थ जो चिंतन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। मूर्त, जैसे ही निगमनात्मक या अवसारी चिंतन भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है अमूर्त, आगमनात्मक, ठीक है, अवसारी चिंतन भी कहते हैं। और तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन, जैसे विश्लेषणात्मक चिंतन भी कहा जाता है, ठीक है। इनको विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। पहला है मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, ठीक है, जैसे अवसारी भी चिंतन कहते हैं। मूर्त चिंतन वह होता है जो चीज़ें हमें, जो जिन चीज़ों को हम अपने बाह्य रूप में देख सकते हैं, छू सकते हैं, फरक सकते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं। इसका संबंध बाह्य रूप में होता है, कैसा होता है, बाह्य रूप में होता है। और सामान्यतः जितने भी शिक्षक होते हैं, सभी शिक्षक, सामान्यतः की बात कर रहे हैं, सभी शिक्षक कैसे होते हैं, मूर्त या निगमनात्मक या अवसारी चिंतन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन या अपसारी चिंतन भी कहते हैं। और इसको ही क्या कहते हैं, सृजनात्मकता चिंतन, सृजनात्मकता चिंतन भी कहते हैं। और सृजनात्मकता के चिंतन का अर्थ होता है नया निर्माण कर लेना, उदाहरण के माध्यम से नई नई वस्तुओं को बताना, उसको ही क्या कहते हैं, सृजनात्मकता चिंतन। किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, सामने की प्रत्येक परिस्थिति के अलावा गुण को देख कर परिभाषित कर सकते हैं। इसमें किसमें करते हैं, अमूर्त चिंतन में, गुण रूप को देख कर भी हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं फैला, फैल कर, ठीक है, फैल कर भी, ठीक है, एक बिंदु है और इस बिंदु से फैल कर भी, इस तरह से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट आगे देखते हैं नंबर 3, आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, जो इसमें जो शिक्षक होता है वो क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों, कैसे, इतने सारे सवालों को सोचकर जवाब देता है, ठीक है। क्या कहता है, क्यों, कैसे, क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचता है वह हर कार्य करता है। तो शिक्षक क्या कहता है, वो हर कार्य करने से पहले शिक्षक क्या कहता है, इन बातों को सोचता है, तो ऐसे सोचता है, तो उसको क्या कहते हैं, आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं। यही चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। कैसा होता है, सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा होता है, आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन को ही सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए शिक्षण जो होता है, जो शिक्षक होता है वो शिक्षण प्रदान करता है, जो शिक्षक है वो क्या प्रदान करता है, शिक्षण प्रदान करता है। और 2 रूप में होता है, कितने रूप में होता है, 2 रूपों में होता है, ठीक है। कितने रूपों में होता है, 2 रूपों में, इसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है सीखने वाला, और सीखने वाला क्या होता है, बालक होता है, और सिखाने वाला क्या होता है, शिक्षक होता है। जब सीखने वाला और सिखाने वाले के मध्य जो संबंध स्थापित होता है, तो उसी प्रकार से एक निकल कर आया है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई है, मॉरिसन एक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व, जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतः संबंधों के द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। उन्होंने कहा है एक अधिक परिपक्व, एक अधिक परिपक्व का मतलब यहाँ से शिक्षक से है, और कम परिपक्व का मतलब समझ रहे हैं किससे, शिक्षार्थी से है। उन्होंने बताया है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतः संबंधों के द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है, ठीक है। एक नेक्स्ट और वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जैक्सन ने कहा है शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण लिखना है, ठीक है, ये शिक्षण है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिपक्व व्यक्ति का मतलब है शिक्षक से, अपरिपक्व व्यक्ति का मतलब है शिक्षार्थी को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। अंतःक्रिया का मतलब समझते हैं, अंतःक्रिया का मतलब होता है आंतरिक भागों से होने वाली क्रिया, ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर से होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको, जो विचार व्यक्त करते हैं उनको ही क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, ठीक है। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 था, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।